आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। साहो का फर्स्ट रिव्यू आ चुका है। जी हाँ, अगर आप सोचोगे कि ये फिल्म रिलीज़ हो चुकी है क्या, तो फर्स्ट रिव्यू कैसे आया चलिए मैं आपको बताता हूँ, और ये रिव्यू किसने दिया है वो भी आपको बताता हूँ। आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि साहो को लेकर एक अच्छा रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है। जी हाँ, मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ इसके रिपोर्ट जो सेंसर बोर्ड की तरफ से आ रही है उसके बारे में बताने के लिए। सेंसर बोर्ड के हिसाब से कि सेंसर बोर्ड ने ये फिल्म देख ली है और सेंसर बोर्ड ने ये फिल्म को अप्रिशिएट किया है, यानी कि इस फिल्म के फिल्म को अप्रिशिएट किया हो, खास करके इसके फिल्म के एक्शन सीक्वेंस को। इसको सेंसर बोर्ड में बहुत अच्छे से क्या कहते हैं अप्रिशिएट किया, यानी कि तालियां बजाई है कि बहुत अच्छा है, विच आर आउट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि बहुत शानदार है, यानी कि हॉलीवुड के लेवल का साफ साफ है इसका मतलब है। इट इज़ ऑल्सो रिपोर्टेड दैट प्रभास रोल विल हैव नेगेटिव शेड्स, और इस फिल्म में थोड़ी सी चीज़ें और बताई गई कि प्रभास का जो रोल है वो नेगेटिव शेड का होगा, और ये आपने ट्रेलर में भी हल्का हल्का देखा होगा। इट इज़ सेड दैट देर इज लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द फिल्म, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है इस फिल्म में जो आपको एक्साइट करेंगे, ये कहना है सेंसर बोर्ड का। और इफ़ यू थॉट प्रभास टर्निंग नेगेटिव विल सरप्राइज इनाफ, द क्लाइमैक्स ऑफ द मूवी ब्लो एवरीवन्स माइंड, यानी कि अगर आपको लगता है कि सिर्फ प्रभास का नेगेटिव रोल ही इस फिल्म की कुछ खास बात है, तो नहीं, इस फिल्म का क्लाइमैक्स आपको हिला कर रख देगा, आपका माइंड ब्लो कर देगा, यानी कि आपको समझ में नहीं आएगा, इतना एक्साइट करेगा आपको। और ये फिल्म एक गेम चेंजर साबित होगी। और इसके अलावा क्या लिखा है वो बताता हूँ, विद एवर चेंजिंग शेड्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड विशियसली ट्विस्टेड स्क्रिप्ट वेर एंगेजिंग स्क्रीन प्ले, इट इज़ द डायरेक्टर सुजीत हैज़ डायरेक्टेड डीसेंट जॉब, यानी कि सुजीत ने एक अच्छा काम किया है क्योंकि इसका स्क्रीन प्ले अच्छा खासा है, बहुत सारे ट्विस्टेड है स्टोरी में, ट्विस्ट है, कौन क्या प्ले करे, कौन किस पर भरोसा करे, किस पर नहीं करे, किसका शेड क्या है, कौन अच्छा है कौन बुरा, वो सब बहुत अच्छे से यहाँ पर सुजीत ने पिरोया है। और ये एक एक्शन थ्रिलर को एक बड़े स्क्रिप्ट पर ले जाने में सक्सेसफुल साबित हुए हैं। सो दिस इज द फर्स्ट रिव्यू कमिंग आउट फ्रॉम सेंसर बोर्ड एंड आई एम वेरी प्लीज विद दिस रिव्यू एंड आई एम डैम श्योर दिस फिल्म विल डेफिनेटली गोइंग टू रॉक द बॉक्स ऑफिस। और अगर आपको याद हो या ना हो, मैंने करीबन फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद एक प्रेडिक्शन दिया था, उस प्रेडिक्शन में मैंने लाइफ टाइम के बारे में ये कहा था खुद की राय कि ये फिल्म 700 करोड़ तक जा सकेगी, मुझे लगता है इजीली। क्या लगता है आप मेरी उस बात से, क्या अभी भी एग्री है, और क्या ये फिलहाल ये फिल्म के जो फर्स्ट रिव्यू आया सबसे पहले सेंसर बोर्ड की तरफ से, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना एग्री करते हैं, ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि इस तरह के कोई भी वीडियो आप इस चैनल से बिल्कुल भी मिस ना कर सके, क्योंकि आने वाले दिनों में तूफान बहुत सारे आने वाले हैं साहो के। चलिए।